तो दोस्तों, नाम तो आप मेरा जानते ही हैं, सोचा आपको मथुरा घुमा दें। वेलकम टू सिटी ऑफ कृष्णा। रेलवे स्टेशन से निकलकर हम चल दिए कृष्ण जन्मभूमि की ओर। मंदिर में अंदर दर्शन करने से पहले आपको अपना सामान क्लॉक रूम में जमा करवाना होता है, जिसका किराया मात्र 10 रुपए है। भीड़ काफ़ी है, आज छुट्टी का टाइम है तो भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। पीछे आप देख सकते हैं मेरे लाइन लगी हुई है क्लॉक रूम में जमा कराने के लिए, और टाइम लग रहा है काफ़ी। सो देखते हैं कब तक नंबर आता है। कृष्ण जन्मभूमि के अंदर आपको खुद आकर ही दर्शन करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है। और फिर हम जन्मभूमि से आगे बढ़ गए वृंदावन की ओर। कृष्ण जन्मभूमि के हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम आ गए हैं वृंदावन के अंदर। काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए हैं वहाँ पे, काफ़ी भीड़ थी लेकिन उसके बावजूद भी दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए हैं। वहाँ से हम जा रहे थे द्वारकाधीश जी मंदिर, लेकिन टाइम हमारा एक्सीड हो गया था। वो जो टाइमिंग है वहाँ का वो 11:30 बजे तक का है, बट हमें 12:30 हो चुका था, इसलिए द्वारकाधीश जी मंदिर हम जा नहीं पाए। वृंदावन में आप श्री सुखधाम आश्रम में रुक सकते हैं, यहाँ बहुत ही कम प्राइस में आपको खाना और रहना दोनों मिल जाएगा। ये हमने धर्मशाला बुक करी है वृंदावन के अंदर, इसमें हमने रूम लिया है जिसका रेंट हमने पे किया है 600 रुपये फॉर डबल ऑक्यूपेंसी। उसमें हमारा लंच और डिनर इंक्लूडेड है, सो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको अभी इसका डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। रूम ठीक ठाक है, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वृंदावन की गलियों में आपको इस तरह की खूबसूरत पेंटिंग्स काफी देखने को मिलेगी। इन खूबसूरत गलियों को देखते हुए हम पहुंच गए निधिवन। अभी हम आ गए हैं निधिवन। निधिवन के लिए कहा जाता है कि यहाँ आज भी रात के समय राधा कृष्ण रासलीला करने आते हैं। खूबसूरत जगह है, आपको यहाँ पे आना चाहिए निधिवन में, और शाम को तो यहाँ पर किसी को रुकने भी नहीं दिया जाता है, आप जरूर आइए।
राधे राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद राधे। निधि वन के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं राधा रमण मंदिर दर्शन करने के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं राधा रमण मंदिर। मंदिर में दर्शन हो चुके हैं, हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी मंदिर की। चलिए चलते हैं। निधिवन के दर्शन करके आप सीधा बांके बिहारी जी मंदिर जा सकते हैं पैदल पैदल मार्केट होते हुए, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। आपको टैक्सी करने की जरूरत नहीं है, आपको रिक्शा लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पैदल पैदल भी जा सकते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर जाते समय आप उनका सबसे पसंदीदा प्रसाद ले जाना ना भूलें। भीड़ बहुत ज्यादा थी बांके बिहारी मंदिर में, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, कृपा रही, काफी मजा आया। आप भी जरूर आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर। सब यहाँ दर्शन करके हम चल दिए वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध प्रेम मंदिर की ओर। This is it guys, ये था मेरा मथुरा का व्लॉग जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी लोकेशंस दिखाई हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं और मेरे भाई के साथ ये फर्स्ट व्लॉग नहीं है, इससे पहले भी एक व्लॉग हम बना चुके हैं
आप हमारा ब्लॉग चेक कर सकते हैं रणथंभौर वाला। सो ये हमारा सेकंड ब्लॉग है साथ में। सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।